तो सो गाइस आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी कमाल के एआई वेबसाइट के बारे में बताना है जिसके थ्रू जो है गाइस आप जो अपने फटे पुराने फोटोज को जो है मात्र एक क्लिक में जो है एचडी में डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अभी मजा आएगा ना वीडियो, बिना किसी तामझाम के मात्र आपको अपना फोटो अपलोड करना है और उसको जो है हाई क्वालिटी एचडी रेजोल्यूशन में आप डाउनलोड कर पाएंगे अपने मोबाइल की गैलरी में। मतलब यहाँ पे आपको कोई तामझाम नहीं करना पड़ेगा और ये वेबसाइट इतना कमाल की वेबसाइट है, मतलब मैंने जो खुद इसको यूज किया उसके बाद मैंने सोचा कि आपको साथ शेयर करना चाहिए। इसमें जो है मैंने अपना एक कंप्रेस किया हुआ फोटो, मतलब एकदम लो क्वालिटी से लो क्वालिटी का फोटो हमने यहाँ पे अपलोड किया और उसको जो है ए आई वेबसाइट इतना बेहतरीन तरीका से उसको एचडी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मैं खुद देखकर शॉक हो गया। ठीक है, क्यों हिला डाला ना। तो ये जो वेबसाइट है बहुत ही कमाल का, बहुत ही मस्त वेबसाइट है, तो आप जो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस ए आई वेबसाइट का जो है आप खुद ही चुन के देखिए और देखिए कि कैसा आपको लगता है। तो गाइस वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजबल है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और गाइस इससे पहले चैनल पर आए चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो से वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो सो गाइस आते हैं यहाँ पे अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं कि वो कौन सी एआई वेबसाइट है जिसके थ्रू जो है आप जो अपने लो से लो क्वालिटी फोटोज को जो है एचडी में कन्वर्ट कर पाएंगे वो भी मात्र एक क्लिक में। ठीक है, तो गाइस इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ अपने लो क्वालिटी फोटोज को एचडी में कन्वर्ट करके, उसके बाद मैं गाइस आपको बताता हूँ कौन सा वेबसाइट है। ठीक है, तो सो गाइस अभी जो है हम जो है उस वेबसाइट को अपने मोबाइल में ओपन कर चुके हैं, साइड में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम आपको जो है अपने यहाँ पे एक फोटो अपलोड करके उसके बाद आपको जो है उसका रिजल्ट दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इस वेबसाइट पर आप कैसे आ सकते हैं, इस वेबसाइट का नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो आपने एक फोटो अपलोड करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। तो देख सकते वेबसाइट का इंटरफेस आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, अब कैसे यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे लिखा होगा ड्रॉप अ फाइल। ठीक है, या क्लिक और लिखा होगा क्लिक टू सेलेक्ट। ठीक है, क्लिक टू सेलेक्ट या ड्रॉप अ फाइल, अगर आप अपने पीसी में करेंगे तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, नहीं तो मोबाइल से करेंगे तो आपको यहाँ पे जो सेलेक्ट करना होगा अपने फोटोज़ को। तो सिंपली हम जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो गाइस यहाँ पे जो है आपके मोबाइल का फाइल मैनेजर खुल जाएगा। अब गाइस यहाँ से जो है आपको उस फोटो को सेलेक्ट करना है जिस फोटो को जो है आपको लो क्वालिटी का और उसको आपको एचडी में करना है, फुला हाई क्वालिटी में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे जो अपना फोटो सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद गाइस आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए ये फोटो हमारा है। ठीक है, हमने जो है गाइस इस फोटो को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमने जो है इस फोटो को गाइस यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे फोटो का सबसे पहले आप क्वालिटी देख लीजिए कि किस क्वालिटी का ये फोटो है। ठीक है, देखिए ये क्वालिटी का, ये देखिए ये हमने फोटो अपने मोबाइल की गैलरी से सेलेक्ट किया है। ठीक है, किया हूँ। उसके बाद गाइस जैसे ही अब इसको हमको एचडी में कन्वर्ट करना होगा तो गाइस हम यहाँ पे इसके नीचे आएंगे, नीचे आएंगे उसके पहले यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया होगा बट उसका आपको छेड़छाड़ नहीं करूँगा यहाँ पे। उसके बाद गाइस जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड फोटो अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, फोटो अपलोड कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे आपको आना है और नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे जो आपको बटन आएगा सबमिट का, ठीक है, आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना होगा और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करिएगा देख सकते हैं यहाँ पे गाइस यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे स्टार्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टार्ट हो गया, अब देख सकते हैं कुछ सेकंड आपको वेट करना है, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा और देखिए कि यहाँ पे गाइस इस फोटो को देखिए कितना फ्रेश एचडी में कन्वर्ट कर दिया। आप इस वेबसाइट का एक बार यूज करके देखिए, आप खुद शौक हो जाइएगा कि देखिए हमने, आप यहीं पे देख लीजिए ये हमने फोटो अपलोड किया हूँ, देख सकते हैं इस फोटो को हमने अपलोड किया और देखिए ओरिजिनल क्वालिटी इस फोटो का। ठीक है, ये हमको आउटपुट मिला। ठीक है, इस वेबसाइट ने हमको आउटपुट दिया। ठीक है, आपको ऊपर दिखाई भी दे रहा है इनपुट, यहाँ पे लिखा है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये इनपुट हमने जो अपलोड किया है और ये देखिए आउटपुट इसका, देख सकते हैं। ये इतना कमाल का एआई वेबसाइट है, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं खुद शौक हो गया इसको, मतलब जहाँ हमने यूज किया। चलिए एक और फोटो को हमें आपको यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो हमारा गूगल से डाउनलोड किया हुआ फोटो था लो क्वालिटी का, अब मैं अपना एक खुद का फोटो है जो लो क्वालिटी का उसको अपलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट वाले फाइल पर, फाइल वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ से जो हम अपना एक फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक फ़ोटो कोई बकवास सा फ़ोटो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो हम यहाँ से जो अपना एक फ़ोटो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद गाइस आपको एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देन गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको जो हमारा फोटो यहाँ पे मिल गया, हमने सिंपली इस फोटो पर मैं यहाँ पर अपना क्लिक करूँगा और जैसे गाइस मैं इस फोटो पर यहाँ पर क्लिक करूँगा
तो ये फोटो जो है गाइस वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इस फोटो का क्वालिटी, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इस फोटो का आपको क्वालिटी कुछ आपको देख रहे थे, इतना घटिया क्वालिटी है इस फोटो का, क्योंकि हमने जो इसको कंप्रेस किया था, हमको कहीं डॉक्यूमेंट के लिए अपलोड करना था, डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ का फॉर्म वगैरह भर रहे थे, तो वहाँ पे उतना केवी का नहीं ले रहा था, तो हमने इसको सिंपली कंप्रेस किया हुआ। अब आपको पता है कंप्रेस किया हुआ फोटो का क्वालिटी एकदम बिल्कुल बेकार हो जाता है, घर जाता है, ठीक है। तो हमने जो गाइस यहाँ पर खुद का अपना फोटो यहाँ पर गाइस हमने अपलोड किया, अपलोड करने के बाद सिम वही आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, ये जो सबमिट का ऑप्शन दिखा दे रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना होगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे जो है आपको अपलोडिंग फाइल करके आएगा, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा ऊपर की तरफ, और उसके बाद गाइस यहाँ पे आपका फोटो जनरेट होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा फोटो जो है, हमने ये फोटो अपलोड किया हूँ, और देखिए आउटपुट देखिए इसका, ये फोटो हमको यहाँ पे मिला, ठीक है। मतलब जो है देखिए इसका क्वालिटी कितना इम्प्रूव हो गया। अब सिंपली इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या होगा करना पड़ेगा कि इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, और लॉन्ग प्रेस करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे लिख लीजिए, आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डाउनलोड इमेज का, ठीक है। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करके ऊपर डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, और आपका फोटो जो है गाइस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ओपन देखिए अभी हमारा फोटो यहाँ पे गाइस डाउनलोड हो गया, अभी चला गया हमारे मोबाइल की गैलरी में। तो गाइस ये वेबसाइट जो है गाइस काफ़ी कमाल का वेबसाइट है, बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, ठीक है। तो सिंपली हम अब बात करते हैं कि इस वेबसाइट का नाम क्या है, ठीक है। तो गाइस इस वेबसाइट का नाम है रेप्लिकेट, ठीक है, रेप्लिकेट कोड फॉर्मर, ठीक है। रेप्लिकेट कोड फॉर्मर जो है इस वेबसाइट का नाम है। जैसे ही आप इस इतना आप सर्च करिएगा गूगल पे, आपको यहाँ पे साइड में दिखाई भी देगा कि आपको सर्च करना है। जैसे ही आप इतना सर्च करिएगा, सर्च करने का जो पहला वेबसाइट आपको खुल के आएगा, ये वाला जो पहला वेबसाइट आपको खुल के आएगा, इस पर आपको जैसे ही क्लिक करिएगा, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको जगह ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सिंपली आपको क्या करना होगा, कुछ आपको इस टाइप का वेबसाइट खुल के आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, फाइल छोड़े यहाँ पे, देखिए हिंदी में लिख रहे थे, सिंपली यहाँ पे इस पर जैसे आप क्लिक करिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस पर जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपका मोबाइल का जो फाइल मैनेजर या गैलरी ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप अपना फोटो सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद नीचे आकर आपको यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला सबमिट का ऑप्शन, इस पर जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे साइड में जो है गाइस आपका जो है फोटो यहाँ पे HD क्वालिटी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ सेकंड आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। उसके बाद गाइस यहाँ से जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा ये वाला, तो यहाँ से जो आप डाउनलोड भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस वेबसाइट काफ़ी कमाल का वेबसाइट है, और मैं आपको और एक बता दूँ कि आपको जो अगर गूगल पे इसका जो लिंक नहीं मिले तो आप जो है मेरे टेलीग्राम पर जाकर भी यहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक हमने वहाँ पे अपलोड किया, तो आप मेरे टेलीग्राम पर से जो इस वेबसाइट को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आप सिंपली मेरे टेलीग्राम पर चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक। तो सो गाइस इस वेबसाइट को आप खुद जो है गाइस यूज करिए, और यूज करके बताइए कि ये वेबसाइट आप लोगों को कैसी लगी। और गाइस यहाँ पे जो कोई भी आपको दिक्कत है तो आप जो हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप जो हमारे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमको। और गाइस इस वेबसाइट को यूज करके आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिए कि ये वेबसाइट आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप कंप्यूटर में सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपके फोटो को जो है उतना अच्छा क्वालिटी से इम्प्रूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इसको HD में कन्वर्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो गाइस आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, और ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी, अच्छी लगी चैनल से वीडियो को लाइक से कमेंट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद।